हेलो एंड वेलकम टू क्लासी क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं मखमली कोफ्ता। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन का कीमा लिया है। मैंने इसको वॉश करके इसका सभी पानी ड्रेन कर लिया है और इसे मिक्सर ग्राइंडर में एक बार फाइन पीस लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून पपया पेस्ट, 1/2 कप फ्राइड ऑनियंस, 2 प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, आप 2 से 3 स्लाइस को मिक्सर जार में ग्राइंड कर सकते हैं, हरा धनिया लिया है मैंने, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। पहले इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह के चने जो मार्केट में अवेलेबल है इसको मैंने फाइन पीस लिया है। मैं इसमें 4 टेबलस्पून ये चने की पाउडर ऐड करूंगी। इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। आप सॉल्ट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहो तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। पपैया का पेस्ट आप स्किप कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूंगी। मटन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम इस तरह से प्रेस करते हुए राउंड कोफ्ते बनाएंगे। आपको जो साइज़ का कोफ्ता चाहिए आप बना सकते हैं। हमें इसे प्रेस करते हुए इस तरह के कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रखना है, ताकि कोई कोफ्ता हमारा टूटे ना। इस तरह मैं सभी कोफ्तों को तैयार कर लूँगी। मैंने सभी कोफ्ते बना लिए हैं, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑयल को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है। हमें थोड़ा ही ऑयल डालना है। हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रख लिया है। सभी कोफ्तों को हमें इस तरह पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। इस तरह हमें बीच बीच में हिलाते हुए रहना है और सभी कोफ्तों को अच्छा फ्राई कर लेना है। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरी बैच भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम सभी कोफ्तों को तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब जिस ऑयल में हमने कोफ्ता फ्राई किया था उसी ऑयल को मैंने हीट करने रख दिया है। आप चाहो तो थोड़ा ऑयल उसमें से निकाल भी सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून जितना ऑयल है इसमें मैं 4 स्लाइस टोमेटोज डालूंगी और इसको सॉफ्ट होने तक कुक करूंगी। टोमेटोज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह स्लाइस टोमेटोज ऐड करेंगे तो टोमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको हम सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसमें एक हरी मिर्ची ऐड करूंगी जिसको मैंने स्लिट कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी अब ये कोफ्ते जो हमने फ्राई कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन कोफ्तों को फ्लिप कर लूँगी।
हमें सिर्फ ग्रेवी को कोट करना है, हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है इसमें, और सभी ग्रेवी हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गया है, हमारे कोफ्ते बनकर रेडी है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूंगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। मखमली कोफ्ता बनकर रेडी है, आप इसे नान या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।